आइए फिर से आपका स्वागत है। आज एक केस स्टडी फिर से बता रहा हूँ, मोबाइल एडिक्शन, टीवी इंटरनेट एडिक्शन के बारे में। लड़की को पेरेंट्स ने लाया, 10th क्लास में लड़की है, और कम से कम 4 से 6 घंटा टाइम मोबाइल टीवी इसमें गंवाती है, इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे गंवाती रहती है। वैसे अपने पढ़ाई में अच्छी है, पढ़ाई में उसको टॉप के नंबर मिलते हैं, अच्छे परसेंटेज खींचती है, उसको जाना मेडिकल में है, मगर कंटिन्यूसली खेलना तो मोबाइल के ऊपर है। कुछ भी समय मिला तो वो मोबाइल हाथ में लेंगी पेरेंट्स की तरफ से और खेलते बैठेंगी, या फिर टीवी को आजकल यूट्यूब जोड़ देते हैं, मतलब टीवी को यूट्यूब का कनेक्शन, उसमें जाएंगे यूट्यूब चालू करेंगे टीवी के ऊपर और वहाँ फिर अलग अलग वीडियोस देखेंगे, या फिर दोस्तों के लेंगे, माँ बाप के चुरा के लेंगे मोबाइल्स, उसके ऊपर खेलेंगे। रात को माँ बाप के मोबाइल चुरा के लेंगे वो और खेलेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करेंगी। कम से कम 4 से 5 घंटे वो उसमें गंवा रही है, और उसको नहीं दिया तो चिड़चिड़ापन, वायलेंट होना, फेंकफाक करना चीज़ें, और इसमें प्रॉब्लम लोगों को हो रहे हैं। अच्छा, ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस मोबाइल पे या स्क्रीन पे रहे तो आंखें खराब हो रही, सरदर्द लोगों को हो रहा है उसकी वजह से, गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द है, पीठ में दर्द है, क्योंकि लोगों कंटिन्यूसली ऐसा बैठ रहे हैं नीचे मुंडी करके और उसके ऊपर खेल रहे, दोनों हाथ चालू है, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स बॉडीली, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे उसको जो प्रॉब्लम है ये 10वीं क्लास में दिखाई दे रहे। फिर उनको ये भी मालूम पड़ा कि उसका चैटिंग जब पकड़ा गया तो वो लड़के के साथ में चैटिंग कर रही है, लड़का एकदम ही अनएम्प्लॉयड और बिना पढ़ाई करने वाला लड़का है, कि जो लड़के ट्यूशन क्लास के बाहर खड़े रहते बाइक लेके और देखते रहते कौन सी लड़की को पटाना या कौन सी लड़की के पीछे जाना, वो उसने उसको बराबर अपने ट्रैप में लाया है ना, और कभी बाहर लेके जाना, होटल में लेके जाना, डेटिंग, पैसा यही खर्चा कर रही है उसके लिए, और ऐसा चालू था। अब माँ बाप को ये हो गया कि अभी इनका करना क्या, 10वीं क्लास में लड़की है और समझ में नहीं आ रहा है कि अभी फ्यूचर क्या होगा, और ये नहीं, ये तो सभी मतलब माँ बाप को भी प्रॉब्लम हो गया है, बच्चों को मोबाइल दो, इंटरनेट दो, कंप्यूटर दो, आजकल कंप्यूटर पे फिर स्कूल में भी बोलते हैं, चलो कंप्यूटर में जाओ, गूगल में जाओ, ये सर्च करो, वो सर्च करो, तो उसके लिए भी उनको गूगल चाहिए, जो वहाँ से सर्च करेंगे और कुछ ना कुछ निकालेंगे सर्च करके, तो स्कूल से भी बोलते रहते हैं, और फिर सर्च करते करते पढ़ाई का, बाकी भी पढ़ाई चालू उनकी हो जाती है। तो ऐसे इसमें सभी पालक वर्गों को ये देखना पड़ेगा कि भाई इसमें से बच्चों को इसमें जाने ही देना नहीं एडिक्शन में, उसके लिए क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, उनके ऊपर क्या कंट्रोल ला सकते हैं, नहीं तो पता नहीं अभी आगे जाने वाले 5-10 साल में क्या होने वाला है। जस्ट वी कांट जस्ट गेट, अपन गेस ही नहीं कर सकते कि अभी आगे ये पीढ़ी में, अच्छा ये पीढ़ी में क्या होगा। अच्छा ये समझो माँ बाप फोन देते नहीं है तो लोग बोलते अभी जनरेशन अलग है, आपको क्या पता है, मतलब माँ बाप को ही बोलेंगे कि ऐसा कैसा तुम नहीं बोलते, और उनको ही मतलब कुछ ना कुछ बोल देंगे, तो ऐसा चालू है। अभी इसमें यही है कि माँ बाप ने डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, बच्चों को डिसिप्लिन नहीं लाते हैं, एक बार नहीं बोला मतलब नहीं बोला, उसने कितना भी आक्रामक बन गया, कितना भी ढिंगाना कर दिया, कुछ भी किया बच्चे ने, तोड़फोड़ कर दिया, चिल्लाया, चीखा मोबाइल के लिए, एक बार नहीं मतलब नहीं मतलब नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन यदि नहीं है, और डिसिप्लिन का मतलब यह होता है कि वंस द डिसीजन इज मेड देयर आर नो मोर निगोशिएशंस, एक बार निर्णय ले लिया उसके बाद में वो निर्णय में फेरफार होंगे नहीं। 15 मिनट आप मोबाइल खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो 15 मिनट ही देखेंगे, बाकी आप खेलेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो भी करना हो करेंगे, मगर टीवी नहीं तो नहीं। तो ऐसा डिसिप्लिन घर में लाएंगे तो ही संभव है, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।